सो है गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। गाइज आज की इस वाले वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कुछ इस प्रकार का फोटो एडिटिंग करना सिखाने वाला हूँ। गाइज इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को ऐसे सिंपल ट्रिक्स बताने जिसका यूज करके आप अपनी फोटो काफ़ी मस्त एडिटिंग कर पाएंगे। गाइज अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक वॉच कर ले रहे हो तो पक्का आप भी कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना बहुत ही सिंपल तरीके से सीख पाएंगे। गाइज अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और एंड गाइज हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। तो चले गाइज बिना देख सकते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल से गाइज आप लोग अपना स्नैपचैट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में गाइज आप लोग यहाँ पे प्लस वाला आइकन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है और आप भी यहाँ से जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हो उस फोटो को यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सो देन गाइज मैंने ऐसे अपनी मॉडल की फोटो को ऐड कर लिया। अब करने के बाद में आपको नीचे टूल्स से ऑप्शन दिख रहा होगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। अब करने के बाद में आप लोग को ऊपर यहाँ पे कर्व का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। ओके, और आप लोग को ये कर्व लाइन दिख रही है ना, इसको ऊपर की तरफ उठा के लेके जा रहे कुछ इस प्रकार से। आप लोग को जहाँ जितना आप चेहरे को वाइट करना चाहते हो ना कर लीजिएगा। ओके, अब आप लोग को नीचे साइड आप लोगों को राइट का ऑप्शन दिख रहा हो तो यहाँ से राइट कर दीजिएगा। ओके, अब सिंपली कहीं आप लोगों को प्रतीर वाला आइकन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है और करने के बाद में एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। सिंपल से कहीं जितना कर देने के बाद में आप लोग को नीचे इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है और करने के बाद में कहीं आप लोग यहाँ पे ब्रश की जगह कर लेना है जीरो। ओके, और आप लोगों को जो भी पैटर्न है इसको कपड़ों में से हटा लेना है, अपने चेहरे में से नहीं हटाना है। तो चलेगा जिसको मैं हटा लेता हूँ। सो देने का जहाँ से कर लेने के बाद नीचे साइड राइट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो यहाँ से राइट कर दीजिएगा और यहाँ से हो जाना है बैक। फिर से गए आप लोगों को टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और करने के बाद नीचे साइड आएंगे तो आप लोग को यहाँ पे डबल एक्सपोज का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है और करने के बाद में आप लोगों में प्लस वाला आइकन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है और गैलरी में जाके कलर को ऐड कर लेना है। सिंपल से गाइस ये वाले कलर को ऐड कर लेना है। करने के बाद नीचे साइड आप लोग को यहाँ पे थ्री ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आप लोग को यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और करने के बाद में आप लोग को यहाँ पे इसको सबस्ट्रेक का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ से इसको सबस्ट्रेक कर देना है और ऐसे कर देना राइट। फिर से आप लोग को ऊपर तीर वाला आइकन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है और करने के बाद में व्यू एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है और करने के बाद में डबल एक्सपोज उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और आप लोग इस वाले पार्ट के अंदर ही अपने ब्रश को चलाना है, इस वाले पार्ट के अंदर नहीं चलाना है। ओके, तो आप लोग जैसे मैं कर रहा हूँ तो आप लोग भी कुछ इस प्रकार से कर लीजिएगा। तो चलेगा जिसको मैं फटाफट से कर लेता हूँ। सिंपली का जैसे कर देने के बाद में ऐसे कर देना राइट और ऐसे हो जाना बैक। फिर से कहते आप लोगों को टूल वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, तो फिर से आप लोगों को डबल एक्सपोज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना और आप लोगों पे प्लस वाला आइकन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना और यहाँ से कलर को और ऐड कर लेना का। सभी पीएनजी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे, आप वहाँ जाके इसको डाउनलोड कर लेना। सो देन का जी वाला कलर को ऐड कर लेना। करने के बाद में आप लोग को सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना और करने के बाद में कहते आप लोगों का डार्किंग का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिएगा और ऐसे कर देना राइट। आप लोग को ऊपर तीर वाला आइकन पे क्लिक कर देना है और करने के बाद में गाइस आप लोग को एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। डबल एक्सपोज यहाँ से ब्रश को ले लेना है और आप लोग को अब इससे वाले पार्ट पर ब्रश को अप्लाई कर देना है, तो गाइस ब्रश की साइज को कर लेना 100 और कुछ इस प्रकार से अपने कपड़ों के अंदर ब्रश को अप्लाई कर दीजिएगा। तो गाइस आप लोग भी कर लीजिएगा। तो चलिए इसको भी मैं फटाफट से कर लेता हूँ। सिंपली के जितना कर देने के बाद में आप लोगों को नीचे टूल्स वाला ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना और करने के बाद में गाइस आप लोगों का पे ब्रश का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। ओके, अब करने के बाद में लास्ट में आप लोग को सिचुएशन वाले ब्रश को सेलेक्ट कर लीजिएगा और करने के बाद में अपनी फोटो को कर देना जूम और कुछ इस प्रकार से अपनी फोटो के अंदर ड्रॉ कर देना। ओके, अब यहाँ से कर देना राइट। सिंपल से जितना हो जाने के बाद में आप लोग को नीचे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना और करने के बाद में सेव वाले ऑप्शन में जाके इस फोटो कैसे शेयर कर देना है पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। सिंपल से गाइस आप लोगों को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में आ जाने के बाद में इधर की तरफ आना है, तो गाइस आप लोगों यहाँ पे ऐड फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है और करने के बाद में यहाँ से एक हेयर पीएनजी को ऐड कर लेना।
सिंपल सी गाइस ये वाला पेंज को हेयर पेंज को ऐड कर लेना, इसकी साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, और करने के बाद में अपने हेयर के एडजस्टमेंट इसको अकॉर्डिंग इसको सेट कर दीजिएगा। तो ओके अब यहाँ से कर देना राइट गाइस, यहाँ से अपनी फोटो काफ़ी मस्त एडिटिंग हो चुकी है। अब इतना हो जाने के बाद में लास्ट में आपको ड्रॉ टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है, ड्रॉ वाले ऑप्शन में जाना है, और आप लोग ऊपर साइड थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा होगा तो इस पर क्लिक कर देना है। करने के बाद में आप लोग ऐसे अपनी फोटो को सेव कर लेना। आई होप कि ये वीडियो आप लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद आए, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।